हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं MTV 1000 ICU वेंटिलेटर, जो कि न्यू वेंटिलेटर है। ये अपना MTV 1000 वेंटिलेटर है फ्रेंड्स। ये ICU और पोर्टेबल वेंटिलेटर है। ये मेड इन साउथ कोरिया, टच स्क्रीन है। अभी इनका जो ऑन करने का प्रोसेस है, ये ऑन बटन है, प्रेस करेंगे। ये ऑन बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये अपना ये एक्सपायरेटरी, ये एक्सपायरेटरी, ये सर्किट कनेक्ट करेंगे और ये टेस्ट लैंप। अगर हम चाहते हैं कि इसमें ETCO2 मेजरमेंट भी हो और SpO2 भी, तो वो ऑप्शनल है, हम इसमें वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये वेंटिलेटर अपना स्टार्ट हो गया। ये टच स्क्रीन है और इसमें जो मोड्स हैं, PRVC प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, VACV वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन, PACV प्रेशर असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन, PRVC प्लस SAMV वॉल्यूम प्लस SAMV प्रेशर प्लस SAMV, ऑटो मोड, CPAP, ऑटो स्ट्रीम। ऑटो स्ट्रीम बोले तो हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी। ये मोड्स है और इसमें जो मॉनिटरिंग है ये रहेगा, ये सब इसमें, टेबल 1, टेबल 2, ग्राफिक्स सेटिंग्स, टूल्स, इवेंट्स, सिस्टम्स। ये कैलिब्रेशन का है। अगर हमें कैलिब्रेशन करना, जैसे फ्लो कैलिब्रेशन, ऑटो कैलिब्रेशन, एक्सपायरेटरी फ्लो कैलिब्रेशन, ETCO2, सर्किट चेक और टच कैलिब्रेशन। यहाँ से हम पेशेंट सेलेक्ट करेंगे, मेल, फीमेल, न्यू पेशेंट, और यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू हाइट बॉडी वेट सेलेक्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं VACV मोड, वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। इसमें सेट करेंगे बॉडी वेट, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी टाइम, रेट, पी पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। इसको चेंज करने के लिए सेलेक्ट किया, इसको रोटेट करेंगे, पीप सेट हो गया। प्रेशर लिमिट सेट करेंगे, फ्लो ट्रिगरिंग सेट करेंगे, ट्रिगरिंग टाइप फ्लो और प्रेशर, वो इनहेल सेंसिटिविटी, और ओटो सेट करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे तो वेंटिलेशन स्टार्ट हो गया। ये पीक प्रेशर का ग्राफ है, ये लीटर पर मिनट, ये वॉल्यूम पर ब्रेथ ग्राफ। ये सेट वैल्यू है, ये मेजर्ड है। हम जो वैल्यू सेट किया उसको वेंटिलेशन के दौरान चेंज कर सकते हैं। ब्रेथ चेंज करना ब्रेथ, पीप सेट किया है पीप को चेंज कर सकते हैं, ओटू सेट किया ओटू को चेंज कर सकते हैं। ये मेजर्ड वैल्यू है। और जो अलार्म सेटिंग्स हैं, ये फ्रेंड्स हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम, टाइडल, ये यहाँ से अलार्म सेटिंग्स हम करेंगे, टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम पर मिनट, रेट, पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, पीप, ओ टू। तो ये अलार्म सेटिंग्स, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, अलार्म सेटिंग्स हम कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये लॉक करने के लिए है, ताकि कोई सेटिंग्स को चेंज ना करे, तो यहाँ से हम स्क्रीन लॉक कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज दी गई है, ये अलार्म साइलेंट करने के लिए फॉर 2 मिनट, ये रिसेट, और ये सेटिंग से एग्जिट करने, जैसे कि सेटिंग्स हमने ओपन किया है तो इससे एग्जिट करने के लिए ये बटन प्रेस करेंगे, सेटिंग एग्जिट। अभी वेंटिलेशन हो रहा है। जैसे ही ये ट्रिगर करेगा पेशेंट, जैसे रेड हो गया, ट्रिगर करते ही उसको असिस्ट कर देगा वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। ये हम वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन की बात कर रहे थे। ये मेजर्ड वैल्यू, ये सेट वैल्यू, अलार्म सेटिंग्स यहाँ से करेंगे। अब बात करते हैं PACV प्रेशर असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। ये बॉडी वेट सेलेक्ट करेंगे, इंस्पिरेटरी प्रेशर, इंस्पिरेटरी टाइम, टी राइज, ब्रेथ पर मिनट, पीक, ओटू, इनहेल सेंसिटिविटी, ट्रिगर टाइप फ्लो और प्रेशर। ये हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ट्रिगरिंग टाइप प्रेशर रखना है तो प्रेशर
अदरवाइज फॉलो, ये ट्रिगर लिमिट, जब पेशेंट एफर्ट करेगा तो ट्रिगरिंग लिमिट पर मिनट, तो ये सेटिंग करेंगे। अब हम इस मोड को सिलेक्ट करके अभी एक्सेप्ट कर दिया, तो प्रेशर मोड स्टार्ट हो गया, वही सेट वैल्यू मेजर्ड वैल्यू। अब इसमें हम अगर चाहें तो वेंटिलेशन के दौरान इसका इंस्पिरेटरी टाइम हम इंस्पिरेटरी प्रेशर हम चेंज कर सकते हैं, ब्रेथ हम चेंज कर सकते हैं, और जो अलार्म लिमिट है ये इसमें अलार्म से हम चेंज करेंगे, ये पीप हम चेंज कर सकते हैं, ऑटो हम चेंज कर सकते हैं। इसका जो बैटरी बैकअप है फ्रेंड्स 3 आवर्स है, 3 आवर्स बैटरी बैकअप है और वेरी गुड क्वालिटी वेंटिलेटर। नेक्स्ट मोड का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। आज हमने डिस्कस किया वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल, प्रेशर असिस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट मोड में हम PRVC, SAMV ये मोड हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।